हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियर पर। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। आज का टॉपिक जो है ऑरेलिया है। ऑरेलिया, जिसको कि मून जेली या फिर जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, फाइलम सीलेंटेट से बिलोंग करता है। टीजीटी बायोलॉजी पीजीटी के बायोलॉजी की अगर बात करें तो हमें फाइलम सीलेंटेट से तीन जनरा पूछे गए हैं। एक तो है हाइड्रा, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ओबेलिया हम लोग पढ़ चुके हैं, और आज इसका थर्ड जनरा है जो कि है ऑरेलिया। इन दोनों को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक सेशंस नहीं लिए हैं तो जाकर जरूर ले लेना। टेलीग्राम चैनल पर मैं नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, आप वहाँ जाकर नोट्स भी ले सकते हैं। और आज का सेशन जो है बेसिकली ऑरेलिया होने वाला है। डिटेल में इस टॉपिक को भी डिस्कस करते चलेंगे। कोई भी क्वेश्चन इस सेशन से बाहर नहीं जाएगा यदि आप कंसिस्टेंसी के साथ पूरा सेशन देखते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो फाइलम सीलेंटेट से बिलोंग करते हैं। क्लास होती है स्काइफोजोआ। सीलेंटेट क्लास के अंदर तीन क्लास है, एक तो है आपकी हाइड्रोजोआ, सेकेंड है स्काइफोजोआ एंड थर्ड होती है एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ के अंदर हमने ओबेलिया और हाइड्रा पढ़े थे, और जो हमारी ओरेलिया स्पीसीज है, ओरेलिया एनिमल जो है, ये क्लास स्काइफोजोआ से बिलोंग करते हैं। तो इनकी क्लास होती है स्काइफोजोआ, ऑर्डर है सिमेस्टोई, फैमिली होती है अलमेरिडी, जीनस है ओरेलिया, और जो स्पीसीज हम ओरेलिया की पढ़ने वाले हैं वो होती है स्पीसीज ओरेटा, यानी कि ओरेलिया ओरेटा हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में देखें तो जीनस जो है ओरेलिया का, जो ऑरेलिया है, वैसे तो जितने भी ऑलमोस्ट ओशियंस हैं वर्ल्ड के सब में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो स्पीसीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना ऑरेलिया ओरेटा, ये नॉर्थन यूरोप के, नॉर्थ अमेरिका के और ईस्टर्न कनाडा, इनके अटलांटिक कोस्ट के पास ज़्यादा देखने को मिलते हैं ये स्पीसीज जो है। अब इनके हैबिट एंड हैबिटेट, यानी कि आवास और वासस्थान की अगर हम बात करें तो ऑरेलिया ओरेटा जो है, मैंने अभी बताया था इसका कॉमन नेम क्या होता है, मून जेली फिर जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। मैंने स्ट्रक्चर भी आगे लिया है, समझ बेहतर होता कि बहुत ही अच्छा सा जीव होता है दिखने में। एक बात याद रखना कि इनका जो हैबिटेट है, यानी कि थोड़े वार्म और टेम्परेट सीज, यानी कि जो थोड़े गर्म से समुद्र होते हैं ना, वहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है स्पीसीज जो होती है हमारी। अब एक बात याद रखना अच्छे से कि ये जो होते हैं, या तो ये आपको फ्री फ्लोटिंग करते हो, मतलब कि समुद्र में बिल्कुल आसानी से तैरते हुए देखने को मिलेंगे, ये होते हैं कार्निवोरस नेचर में, यानी कि मांसाहारी होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स पर फीड करते हैं अपनी ओरल आर्म्स की वजह से। इनकी जो आर्म्स होती हैं इनको हेल्प करती है खाने को इनटेक करने में, और ये कैसे होते हैं, स्टिमुले के लिए अपना रिएक्शन भी दिखाते हैं। जो थोड़ी डिफ्यूज लाइट, यानी कि थोड़ा बिखरा हुआ सा प्रकाश रहता है ना, उसमें बहुत ही एक्टिव होते हैं ये। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इनकी मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो जेलीफिश जो होती है ये एक्चुअल में कोई ट्रूफिश नहीं होती। ट्रूफिश तो हमने पिसीज वाले क्लास में पढ़ी है, लेकिन ये जेलीफिश नाम इसलिए रखा गया है, वैसे तो ये इनवर्टिब्रेट सीलेंटेट है, सीलेंटेट तो इनवर्टिब्रेट होते हैं, पिसीज तो कॉर्डेट्स के अंदर आती है ना, कॉर्डेट की क्लास होती है क्लास पिसीज, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि नहीं देखे तो जरूर देख लेना, पूरी टेलीग्राम पर पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक टॉपिक डिटेल में आपको कराया हुआ है, आप वहाँ जाकर सब्सक्राइब कर लेना तो आपको सारी डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट अगर बात की जेलीफिश क्यों बोला जाता है, जेलीफिश इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो मटेरियल है जेली लाइक सब्सटेंस का ही बना हुआ होता है, थोड़ा चिपचिपे से पदार्थ के बना हुआ होता है, थोड़ा स्ट्रक्चर देखने में वैसा लगता है, इसलिए इसको जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, कोई ट्रूफिश नहीं होती, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। शेप और साइज़ की अगर हम बात करें इनकी तो ऑरेलिया जो है आसानी से पहचाने जा सकते हैं, बिकॉज इनकी जो शेप होती है, जैसे छाता होता है ना दिखने में, जैसे बाहर से छाता देखते हैं वैसे बिल्कुल सॉफ्ट अम्ब्रेला शेप इनकी होती है। और इनकी बॉडी को आसानी से पहचानने का तरीका ये होता है कि इनकी बॉडी पर गुनैड प्रेजेंट होते हैं, घोड़े की नाल के आकार के हॉर्स शेप प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी पर गुनैड, जो कि रेड और पर्पल कलर के रहते हैं, इनकी बॉडी के अपर सरफेस से प्रेजेंट रहते हैं। और एक बात याद रखना कि इनकी बॉडी इस तरह की होती है कुछ, और वहाँ इनकी बॉडी में हैंगिंग, यानी कि ओरल आर्म्स इस तरीके से निकली हुई होती है, ठीक है, इनकी बॉडी से, जिनके की डायरेक्शन बिल्कुल नीचे की तरफ होती है, ठीक है, लोअर सरफेस से निकले हुए होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जो ओरेलिया की बॉडी होती है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि उनके आर पार आसानी से देखा जा सकता है। जो गुनैड होते हैं इनकी बॉडी पर वो थोड़े रेडिश और पिंकिश कलर के होते हैं और क्लियरली इनकी बॉडी पर विजिबल होते हैं। जब बॉडी आसानी से ट्रांसपेरेंट है तो आसानी से देखकर समझ में आ जाते हैं कि गुनैड कौन से, बिकॉज ये डिफरेंट डिफरेंट कलर, यानी कि रेडिश और पिंकिश कलर के देखने को मिलते हैं। अब इनके माउथ और ओरल आर्म्स की बात करें, ओरेलिया के स्ट्रक्चर जो है ना, ऑर्गन एक एक इंपॉर्टेंट है, कई बार उनसे क्वेश्चन पूछे गए, मैं डिटेल में चीज़ें डिस्कस किए हैं यहाँ पे, हर एक हेडिंग को अच्छे से लिया है ताकि कोई भी पॉइंट हमसे मिस ना हो, हमारे कोई भी क्वेश्चन इस सेशन से बाहर नहीं जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं माउथ एंड ओरल पार्ट्स की, तो सेंटर में होता है एक मैन्यूब्रियम, जो कि माउथ लाइक ओपनिंग होती है। मैन्यूब्रियम जो होता है इसी के एंड पर क्या प्रेजेंट होता है, माउथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो जो माउथ होते हैं उनसे क्या निकले हुए होते हैं, ओरल आर्म्स निकली हुई होती हैं, जिनकी की डायरेक्शन नीचे की तरफ हुई होती है, ठीक है। अब ये जो आर्म्स रहती हैं ये कैसीलेटेड ग्रुप्स होती हैं जो कि माउथ में लीड करती हैं।
अब एक बात याद रखना कि निमेटोसिस्ट भी इनमें पाए जाते हैं। निमेटोसिस्ट हमने कहाँ पढ़े थे? हाइड्रा में पढ़े थे। अब यही जो ग्रूव होती हैं इनके एंड पर क्या प्रेजेंट होते हैं? निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होती हैं। अब कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा कि रेडियाई कौन सी प्रेजेंट होती है। रेडियाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि कई तरह के रेडियन की बॉडी में पाई जाती हैं। जो रेडियाई रहेंगी ओरल आर्म से प्रेजेंट रहेंगी, जिनको कि पेराडी के नाम से देखा जाता है। मतलब जो रेडियाई, याद रखना डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई हैं, जो रेडियाई ओरल आर्म से प्रेजेंट रहती हैं उनको पेराडी के नाम से जाना जाता है। अब दो पेराडी, एक तो ये पेराडी होगी फॉर एग्जाम्पल, एक ये पेराडी, इन पेराडी के बीच में एक स्पेस रहता है जिसको कि इंटर रेडियस के नाम से जाना जाता है। तो दो रेडियस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो पेराडी कौन सी है जो कि ओरल आर्म से प्रेजेंट रहती है, और हर दो पेराडी के बीच में इंटर रेडियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हर एक पेराडियस और इंटर रेडियस के बीच में क्या प्रेजेंट है? एड्रा रेडियस प्रेजेंट होता है। तो याद रखना हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी है। पेराडी कहाँ थे? ओरल आर्म से प्रेजेंट थे, और इंटर रेडियस कहाँ थे? दो पेराडी के बीच में थे। और इंटर रेडियस और इंटर पेराडी के बीच में, पेराडी इंटर रेडियस के बीच में प्रेजेंट होते हैं एड्रा रेडियस, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अच्छे से देख लेना चीज़ों को। नेक्स्ट बात करते हैं सब जेनिटल पिट्स की। अब बात करते हैं कि सब जेनिटल पिट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जो सब हर एक इंटर रेडियस, इंटर रेडियस आपने पढ़ा था अभी, इंटर रेडियस के बीच में एक सर्कुलर छिद्र होता है जिसको कि जेनिटल पिट के नाम से जाना जाता है। तो सब जेनिटल पिट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंटर रेडियस में प्रेजेंट होते हैं आपके सब जेनिटल पिट्स। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ गुनेड के बारे में। जेनिटल पिट के जस्ट ऊपर हॉर्स जेजब, यानी कि घोड़े की नाल के आकार के गुनेड प्रेजेंट होते हैं, जिनका कि रेड और पर्पल कलर होता है। याद रखना गुनेड कैसे होते हैं? रेड और पर्पल कलर के होते हैं, जिनसे कि भुजाएं टंगी होती हैं, फ्री आर्म्स निकली होती हैं, कहाँ से? बिल्कुल अम्ब्रेला तरह की शेप होती है, जो कि जिनका डायरेक्शन किसकी तरफ होती है? नीचे की तरफ होती है। और एक बात याद रखना, जेनिटल पिट से ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये, लेकिन जेनिटल पिट और गुनेड के बीच में कोई कनेक्शन प्रेजेंट नहीं होता है, कोई कनेक्शन देखा हुआ नहीं है। अब हमने स्ट्रक्चर लिया है यहाँ पे, अब यहाँ देखो बिल्कुल छाता की शेप की दिखाई देती है, ठीक है। ये होते हैं ओरल आर्म्स, ये होते हैं इनके ओरल आर्म्स जो कि खाने को फीड करने का काम करती हैं, जो खाना इंटेक करते हैं उसका काम करती हैं। और ये बिल्कुल ये होता है इनका एबोरल रीजन, यानी कि ऊपर वाला भाग, और ये होता है इनका माउथ वाले रीजन, यानी कि ओरल वाला भाग। ये एबोरल होता है और ये ओरल रीजन होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये होता है एग्जम्पलर रीजन, यानी कि ऊपर वाला भाग। और ये जो होते हैं हॉर्स शू शेप, यानी कि घोड़े की नाल के आकार के गुनेड प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी पर, जो कि कैसे कलर के होते हैं? रेड या फिर पर्पल, आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं। और एक बात याद रखना है, जो नोच होते हैं ना, ये जो नोच है आपको डॉट डॉट जो बीच में दिख रही है, ये जो नोच प्रेजेंट होते हैं इनकी पूरे उसमें, ये आठ पार्ट में टूटे हुए रहते हैं, ये आठ नोच इनकी बॉडी प्रेजेंट रहते हैं, जिनको मेरिजिनल लेपिड्स के नाम से जाना जाता है, जो कि नेचर में सेंसरी होते हैं। और इन्हीं, ये जो टेंटिकल्स हैं, थोड़ी झालेनुमा सी आकार संरचना है, जो कि मार्जिन लेपिड्स के बीच में प्रेजेंट हो, झालेनुमा संरचना, इनको टेंटिकल्स के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर रेडियल कैनाल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये वेलेब्रियम प्रेजेंट होता है। वेलेब्रियम क्या होते हैं? ये जो मार्जिन लेपिड्स के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है, इसको वेलेब्रियम के नाम से जाना जाता है। इनमें जो वेलम होती है, वैसे शूडो वेलम है, ओबिले में टू वेलम प्रेजेंट थी, इनमें शूडो वेलम प्रेजेंट होती है। तो स्ट्रक्चर हमने अच्छे से देख लिया है, आगे चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं लेपिड्स की। लेपिड्स कहाँ है? मैंने बताया था ये लेपिड्स होते हैं जो कि नेचर में सेंसरी होते हैं, और आठ नोच इनकी बनी हुई होती हैं, इनको लेपिड्स कहा जाता है, ठीक है। लेपिड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सर्कुलर मार्जिन होता है अम्ब्रेला का, मैंने बताया आठ नोच में टूटा हुआ रहता है, आठ लोब्स के द्वारा। इसको लीफ लाइक प्रोसेस होता है, जिसको मार्जिन लेपिड्स के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं पर मार्जिन लेपिड्स की खास बात ये होती है कि इनसे एक ऑर्गन होता है इसमें, जिसको रोपेलियम के नाम से जाना जाता है। एक सिक्रीटरी ऑर्गन होता है, सिक्रीटरी ऑर्गन है, जिसको कि टेंटिकुलोसिस्ट या फिर रोपेलियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट होते हैं मार्जिनल टेंटिकल्स। अभी टेंटिकल्स जो होते हैं, हमने ये भी पढ़े थे, टेंटिकल्स क्या? जो झालेनुमा संरचना थी उसको टेंटिकल्स के नाम से जाना जाता है। नोज के बीच में जो अम्ब्रेला के किनारे होते हैं, वो बिल्कुल छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको कि मार्जिनल टेंटिकल्स के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं टेंटिकल्स पर क्या प्रेजेंट रहते हैं? इन्हीं टेंटिकल्स पर प्रेजेंट रहती है निमेटोसिस्ट, जो निमेटोसिस्ट हमने हाइड्रा में भी पढ़ी थी। अब हम ओरेलिया में भी यही चीज़ें पढ़ रहे हैं कि, लेकिन ये याद रखें, निमेटोसिस्ट कहाँ प्रेजेंट होती है? निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होती हैं टेंटिकल्स पर, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में देखते हैं, वेलेरियम क्या होता है? जो मार्जिन होता है, जहाँ लिपिड्स प्रेजेंट हैं, जहाँ टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, उसी रीजन को, जो उनके बीच में स्पेस था, उनको वेलेरियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी वेलेरियम जो होते हैं ओरेलिया में, इनमें कोई गैस्ट्रोलिमा कैनाल नहीं होती है, इनको शूडो वेलम कहा जाता है, यानी कि इनमें जो वेलम है वो कैसी प्रेजेंट होती है? शूडो वेलम। लेकिन ओबेलिया में जो वेलम थी वो कैसी थी? ओबेलिया की जो वेलम होती है ट्रू वेलम थी, याद रखना। और इनकी कैसी होती है? शूडोसेलम, जिसको कि क्रेस्पोडेट का नाम से भी जाना जाता है। अब एक बात याद रखना इनमें, कि जो मेड्यूसा स्टेज होती है ओरेलिया में, वो डोमिनेंट होती है, जबकि ओबेलिया में कौन सी स्टेज डोमिनेंट थी? पॉलिप स्टेज। और ओरेलिया में कौन सी स्टेज डोमिनेंट होती है? मेड्यूसा, जो कि सेक्सुअल स्टेज होती है।
ओरेले के लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो ओरेले डायोसिस होते हैं नेचर में, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, टेस्टिस और ओवरीज बिल्कुल सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, और मेड्यूसा जो कि सेक्सुअल स्टेज होती है उसमें कैसे गुणट प्रेजेंट थे, हॉर्स शेप्ड यानी कि घोड़े के नाल के आकार के गुणट प्रेजेंट थे उनके फ्लोर पर, और ये कैसे कलर के थे, रेड और पर्पल कलर के गुणट थे, और कहाँ प्रेजेंट थे, उनसे क्या निकल रहे थे बिल्कुल अंदर की बॉडी से, उनकी बॉडी से गुणट से क्या जो फ्री आर्म्स निकल रहे थे, जिनकी बॉडी की डायरेक्शन कैसी थी बिल्कुल नीचे की तरफ, और गुनेट कैसे होते हैं, बिल्कुल सेमी ट्रांसपेरेंट बॉडी है तो बिल्कुल आराम से दिखते हैं स्ट्रक्चर अच्छे से कि कौन से कलर के प्रेजेंट है, कितने पेयर से प्रेजेंट है गुनेट, अच्छे से स्ट्रक्चर एक एक दिखता है इनकी बॉडी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जब मैच्योरिटी लेवल आता है ओरेलिया का, तो ओवा और स्पर्म जो होते हैं ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और माउथ के थ्रू बाहर निकल जाते हैं पानी में, ठीक है। स्पर्म और ओवा रिलीज हो जाते हैं माउथ के थ्रू, वाटर में रिलीज हो जाते हैं। अब जो एग और स्पर्म जो है ये ओरल आर्म्स में, मैंने बताया ही था पहले इनका क्या रोल होता है। अब देखो आप यहाँ स्ट्रक्चर देखो, मैं लाइफ साइकिल आपको समझाती हूँ। मैंने पहले ही बताया था आपको कि डायोसिस होते हैं नेचर में, भाई ये मेल मेड्यूसा है और ये फीमेल मेड्यूसा है। मेल मेड्यूसा में टेस्टिस है तो स्पर्म रिलीज करेंगे, और फीमेल मेड्यूसा में ओवरी से ओवा रिलीज हो जाएंगे। अब ये जो स्पर्म है ये तैरते तैरते पहुँच जाते हैं ओवा के पास, तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होगी पूरी वो कहाँ होती है, फीमेल मेड्यूसा के अंदर होती है। फर्टिलाइजेशन होगा, मेल यानी कि स्पर्म और ओवा मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट से क्या होगा, जाइगोट टू सेल स्टेज होती है, टू सेल स्टेज में कन्वर्ट होगा फोर सेल स्टेज में, देन ब्लास्टुला फॉर्म हो जाएगा। ब्लास्टुला कैसी, बिल्कुल ठोस गेंद के समान स्ट्रक्चर दिखने में लगता है, ये ब्लास्टुला कहलाता है। ब्लास्टुला से फिर बनेगा फ्री स्विमिंग प्लैनल लार्वा, यानी कि इनमें लार्वा स्टेज दो होती हैं। अब ब्लास्टुला कन्वर्ट होगा किसमें, फ्री स्विमिंग प्लैनल लार्वा में। अब ये जो प्लैन लार्वा है ये खुद को अटैच कर लेता है किसी सबस्टेटम से, और वहीं इसकी मैच्योरिटी होने लगती है। जैसे ही ये मैच्योरिटी में आएगा तो खुद को एक इसकी बॉडी में बर्ड डेवलप हो जाती है, यानी कि असेक्सुअल तरीके से बर्ड से खुद को पैरेंटल बॉडी से अलग कर लेगा और बर्ड के फॉर्म में अराइज हो जाता है। अब ये किसको फॉर्म करेगा, यंग स्काइफिस्टोमा एक लार्वा बनकर यहाँ तैयार हो जाता है। और एक बात याद रखना, स्काइफिस्टोमा से जो इफायरल लार्वा तक का प्रोसेस होता है स्ट्रोबिला के नाम से जाना जाता है, इससे बनेगा फिर ये इफायरल लार्वा, देन यंग लार्वा से, यंग स्ट्रोबिला से क्या बनेगा, एडल्ट स्ट्रोबिला, देन फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा बडिंग इफायरा में। अब बडिंग इफायरा से कन्वर्ट हो जाएगा फ्री लार्वा, फ्री इफायरा में। इफायरा क्या होती है, इसकी फाइनल स्टेज है जिसको कि ओबिलिया के लार्वा के नाम से जाना जाता है। तो फ्री इफायरा से कन्वर्ट हो जाए वापस से इसकी अडल्ट बॉडी हो जाती है, वही सारे ऑर्गन्स हो जाते हैं, वही सारे साइकिल कंप्लीट होने लगते हैं, और फिर यही स्पर्म और ओवा रिलीज होने लगते हैं। तो यही साइकिल वापस से कंप्लीट होने लगती है। नेक्स्ट चीज के बारे में देखते हैं, फर्टिलाइजेशन जो होगा स्पर्मेटोजोआ का, स्पर्मेटोजोआ क्या हो गया, बॉडी से बाहर निकल गए ओवा के थ्रू, ओवा के पास आ जाता है क्या निकल के स्पर्म जो होते हैं, फिर ओरल आर्म्स के थ्रू का फर्टिलाइजेशन पूरा हो जाता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है यानी कि बॉडी में अंदर भी हो सकता है फीमेल मेड्यूसा में, और एक्सटर्नल यानी कि बाहर भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेन लार्वा में कैसे बनता है, मैंने समझा दिया है आपको, बाकी नोट्स में आप चीज़ देख लेना। लेकिन अब हम बात करते हैं स्काइफिस्टोमा कैसे बना था, वो तो मैंने डिटेल में आपको साइकिल में बताया था, अब यहाँ भी देख लेते हैं। तो प्लेन लार्वा होता है ये फ्री स्विमिंग तो स्टेज में होता ही है, लेकिन खुद को अटैच कर लेता है एबोरल एंड से, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्लेन लार्वा होता है इसका मेटामॉर्फिस होना शुरू हो जाता है। मेटामॉर्फिस का मतलब होता है जैसे कि उसका माउथ है वो मेनिब्रियम में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ ऐसे ऑर्गन जो कि उसके लार्वा स्टेज में जाकर एडल्ट स्टेज में नहीं रहते हैं, ठीक है। टेंटिकल डेवलप हो जाते हैं माउथ के चारों जो कि उसको हेल्प करते हैं खाने को इनटेक करने में। माउथ जो होता है बिल्कुल स्ट्रक्चर लाइनिंग बन जाता है जिसको कि मेनिब्रियम के नाम से जाना जाता है। अब ये जो लार्वा होता है बिल्कुल ट्रम्पेट शेप का दिखा, जैसे ट्रम्पेट शेप हेडर रहता है ना, ये लार्वा बिल्कुल वैसा दिखाई देता है जिसको कि यंग स्काइफिस्टोमा के नाम से जाना जाता है। अब जो स्काइफिस्टोमा है ये फीड करेगा और ग्रो करेगा, साइज में बड़ा हो जाएगा, कुछ मंथ तक खाता पीता रहता है, मतलब बड़ा हो जाता है, तो इवेंचुअली खुद को ये बडिंग के थ्रू अपनी पेरेंटल बॉडी से अलग कर लेता है, यानी कि एक यंग स्काइफिस्टोमा निर्माण इस तरीके से हो जाता है। अब हम बात करेंगे फाइनल रिजल्ट जो है हमारे इफायरा कैसे बनकर तैयार हो जाता है। तो फॉर्मेशन जो होगा इफायरा का कहाँ से फॉर्मेशन होता है, स्काइफिस्टोमा से। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रोबिलेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें जो इफायरा होते हैं स्विम अवे करते हैं, बिल्कुल लिटिल जेलीफिश की तरह दिखते हैं, और जब इनको कंडीशन प्रॉपर मिल जाती है तो ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर लो होता है, ठीक है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें इनको मिलती है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं। इफायरा की अगर बात करें ये दिखने में बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जिलेटिनस कवरिंग होती है इसके ऊपर, और ये जो क्रिएचर रहता है बहुत ही वेल डेवलप टेट्रामर सिमेट्री होती है इसकी। इसके जो किनारे होते हैं वही अम्ब्रेला बॉडी तो इनकी होती है, जिन पर कि आठ लोब प्रेजेंट रहते हैं, जिनको कि क्लट्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनको कि वेलेब्रियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें वही लैपिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंसरी होते हैं नेचर में, ठीक है। लिपिड्स कैसे होते हैं नेचर में, सेंसरी होते हैं। फिर इनकी बॉडी पर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको टेंटिकल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इफायरा रहता है उसके पास मेन्यूब्रियम भी रहता है। इफायरा स्विमली
कंफर्टेबली स्विम कर देते हैं सी वाटर में, और किसके ऊपर फीड करते हैं भाई, कार्निवोरस हैं तो छोटे छोटे ऑर्गेन्स पर फीड करेंगे, जैसे कि प्रोटोजोन्स वगैरह पर फीड करेंगे। लैपिड्स जो होते हैं इनकी हेल्प करते हैं प्रे, जो शिकार होते हैं उनको पकड़ने में हेल्प करते हैं और फिर मुंह पर ट्रांसफर कर देते हैं। तो लैपिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनकी बॉडी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और लास्ट है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जैसे ही ग्रोथ होती रहती है इनके लार्वा स्टेज की, तो वो इंक्रीज कर जाते हैं, इनकी जो मेसोग्लिया रहती है इंक्रीज कर जाती है, किसमें, दो लेयर में, एक एंडोडर्म बना देती है और एक एक्टोडर्म बना देती है। ठीक है, यही सारा प्रोसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, और इसी के थ्रू क्या हो जाता है, जो ओरल आर्म जो होते हैं फायर आके कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाता है, सारे गस प्रेजेंट रहते हैं, मार्जर टेंटिकल्स प्रेजेंट है, ओरल आर्म्स प्रेजेंट रहती हैं, फिर डेवलप हो जाता है एक एडल्ट ओरेलिया में। तो पूरी साइकिल हमें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोई कमी रह गई हो तो मुझे जरूर बताना, ताकि उस पर आगे सुधार हो सके। डिटेल में डिस्कस करेंगे एक चीज़ को आगे भी, जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।